इफ्रा भी आ गई हैं और दीप कमल भी हैं। पहले दीप, इफ्रा, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। दीप, हरियाणा में कौन जीतने वाला चुनाव, और जेजेपी पिछली बार 10 सीटें जीती थी, इस बार कितनी जीतेगी और जेजेपी किसके साथ है इस बार? जेजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है मानक जी, और हमने 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चलाई, क्योंकि पिछली बार जो मैंडेट था वो इसी तरीके का फ्रैक्चर्ड मैंडेट था। 40 सीटें बीजेपी के पास थी और 10 हमारे पास थी, तो वही बहुमत का एक फॉर्मूला बन रहा था। उसके हिसाब से हमने तेजी से कुछ काम किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले ये और कॉन्फिडेंस आया कि वो हरियाणा की 10 के 10 लोकसभा सीटें बड़ी आसानी से जीतने जा रही है। इसलिए लोकसभा इलेक्शन से पहले उन्होंने मनोहर लाल जी को भी बदल दिया और हमें भी बीच में छोड़ दिया, हमारा भी अलायंस तोड़ दिया। उसका परिणाम आप सबको पता है कि 10 से घटकर 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की रह गई। और अब उसी के परिपेक्ष में, जैसे आप कह रहे हैं कि 10 साल सरकार के हरियाणा में हो गए हैं और लोकसभा चुनाव में तो लोगों ने बता ही दिया है कि उतने खुश नहीं है बीजेपी की सरकार से, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की जो एक वो किसी एक मशहूर उसमें लाइन है कि यहाँ का चर्चा वहां है, तो कांग्रेस की गुटबाजी की चर्चा तो आजकल हर जगह है। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के जो दो ग्रुप हैं वो एक दूसरे के खिलाफ इतनी उनकी जो है लाइन डिवाइड हो रखी है कि 2 दिन पहले हाईकमान में AICC ऑफिस में जो मीटिंग थी उसमें दोनों गुट भिड़ गए, और ये परिणामों में भी कहीं ना कहीं दिखेगा। हाँ, आपने एक सवाल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से जरूर पूछा था कि CM का चेहरा कौन होंगे। मेरा जो अनुभव कहता है, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में अगर जीत हुई तो जो सेहरा है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सिर के माप का तैयार रहता है, और अगर हार हुई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ना कभी पहले दिखे हैं ना बाद में दिखेंगे। हाँ। वो दिखते ही नहीं है हार के वक्त, 2009 अच्छा, में दीप, उनके सीएम ओके, दीप, हुए। आपकी मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, बस उदाहरण दे देता हूँ आपको। 2009 में मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हरियाणा में विधायकों की संख्या 67 से घटकर 40 रह गई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जिम्मेदारी नहीं ली। 2014 में 15 रह गई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक बार भी जिम्मेदारी नहीं ली। सांसदों की संख्या 9 से घटकर 0 पर आ गई, खुद हार गए, उनके बेटे हार गए 2019 में, लेकिन जिम्मेदारी नहीं ली। अच्छा, कभी जिम्मेदारी नहीं लेते, लेकिन जीतते ही ठीक है। अब देखिए, अब आपकी बातों से क्लियर हो गया, आपकी बातों से बिल्कुल साफ हो गया कि आप कांग्रेस से लड़ रहे हैं, आप बीजेपी के प्रति सॉफ्ट हैं, इसीलिए कांग्रेस के प्रति आप बीजेपी की बी टीम है, आप चुनाव के बाद उनके साथ चले जाएंगे। अब मैं आपको इससे अगली बात बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार का आज आखिरी दिन था, आप मेरी इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में 100% इस बार नहीं आएगी और आगे भविष्य में भी नहीं आएगी। बहुत बढ़िया, निकट भविष्य में बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं आएगी, जैसे जो सरकार लोगों को बांटती है जाति के आधार पर, उनका अपमान करती है। मनोहर लाल खट्टर जी का एक उदाहरण बताऊं आपको, हांसी के पास जनसंवाद कर रहे थे, महिलाएं बैठी थी आंगनबाड़ी के सामने, उनमें से किसी ने कहा कि हमारे यहाँ पर रोजगार नहीं है, फैक्ट्री लगवा दीजिए। मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि चंद्रयान 4 जब चांद पर जाएगा वहां आपको भेजेंगे, ये मनोहर लाल जी के शब्द हैं, वीडियो है। ओके दीप, एक बार दीप एक बार मैं चाह रहा हूँ, एक बार दीप को जरा फुल स्क्रीन लाइए, करते हैं लोगों का। जेजेपी के प्रवक्ता दीप कमल को फुल स्क्रीन लाइए। दीप, मैं चाह रहा हूँ आप रिपीट कर दीजिए कि बीजेपी सरकार अब हरियाणा में नहीं आ रही। हरियाणा में बीजेपी की सरकार का आज आखिरी दिन है और हरियाणा में बीजेपी की सरकार 2024 छोड़िए, निकट भविष्य में भी नहीं आएगी। okay. क्योंकि इस सरकार ने लोगों के मन में जाति का जहर भरा है हरियाणा में। ठीक है, मतलब कांग्रेस की सरकार आ रही है, मतलब कांग्रेस की सरकार आ रही है ना। कांग्रेस पार्टी तो 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसके हिसाब से भरोसे भगवान भरोसे बैठी है, सोच रही है कि लोग बीजेपी से नाराज हो गए तो उनको दे देंगे। अरे एक बस यही और क्या, सबको लाइए जरा स्क्रीन पर। नहीं नहीं, एक मिनट दीप, आप तो ऐसी बात कह रहे हैं, वो विजय जी डायलॉग था ना, आधे इधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ। अरे आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आ नहीं रही, कांग्रेस की आ नहीं रही, तो किसकी आ रही है फिर हरियाणा में? हरियाणा के लोग 1 अक्टूबर को तय कर देंगे, 4 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे। जैसा पिछली बार डिवाइडेड फ्रैक्चर्ड मैंडेट था, कुछ वैसा ही दिखेगा। जो रीजनल प्लेयर्स हैं, इंडिपेंडेंट्स हैं, हमारे जैसी पार्टियां हैं, okay. उनके सहयोग के बिना किसी की बीजेपी की तो फिर भी नहीं बनेगी, ये भी मैं बता रहा हूँ। मतलब आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? बीजेपी को तो कोई बाहर वाला समर्थन देकर भी सरकार नहीं बना सकता। आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? जेजेपी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, आप वादा कर रहे हैं? पक्का नहीं जाएंगे, जो गलती हमने पहले की और उसका परिणाम भुगता और देखा कि ये कैसे सरकारें चलाते हैं। आप वादा कर रहे हैं बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे चुनाव के बाद भी? मानक जी, कोई ऐसी गलतियां दोबारा क्यों दोहराएगा? बीजेपी के साथ कोई किसी मजबूरी में किसी को जाना पड़े तो वो अलग बात है, लेकिन बीजेपी ऐसी पार्टी है नहीं जिसका कोई साथ दे। okay. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अच्छा, कांग्रेस के साथ जा सकते हैं क्या? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कांग्रेस के साथ जा सकते हैं क्या? मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। 2019 में बीजेपी
दो बार कांग्रेस कांग्रेस पार्टी के जिस तरीके के हालात है वो पहले आपस में सहमति बना ले, अपना मन का गठबंधन कर ले, फिर किसी बाहर की तरफ देखेंगे। उन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया। हाँ। लोकसभा में आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस था हरियाणा में, अब छोड़ दिया, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब बैलेंस हो गया, अब बैलेंस हो गया, आपने दोनों को कोस लिया। अब चुनाव के बाद आप तय कर लेंगे, जहां से लगेगा ठीक है वहां गठबंधन कर लेंगे और उसकी सरकार बना देंगे। मतलब बीजेपी कांग्रेस से दोनों से आपको कोई परहेज नहीं है? मैं आपको एक बात बता रहा हूं, 2019 में बीजेपी ने हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी और हाँ। लोकसभा इलेक्शन में आउट ऑफ 90 असेंबली सेगमेंट्स 79 में उन्होंने लीड किया था, 80 कह लीजिए उसको, सिर्फ 4 महीने में जहां 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी वहां 79 से घटकर सेगमेंट 40 रह गए और इस बार तो जीते ही 5 सीटें हैं। हाँ। आधी तो पहले ही हो गई है, वो तो 20 पे आके रुकने वाले हैं। नहीं नहीं, जो 5 जीते हैं उसके हिसाब से वो 45 से 46 सीटों पर आगे हैं, तो उसका हाफ कर लीजिए, पिछली बार हाफ हुई थी ना 79 का हाफ हुई थी 40, इस बार उसका हाफ कर लीजिए 20 से, तो कह रहा हूं मैं। ओके ऑलराइट, इफ्रा इफ्रा।